हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, एक नया स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। अक्सर हम देखते हैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं खत लिखता हूं या मैंने खत लिखा, या आप आसानी से बना सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन या मैं खत लिखता हूं, मैंने जूते पर पॉलिश की, मैं कार चलाता हूं, मैंने नया मकान खरीदा, लेकिन अगर मैं ये कहूं मैंने अपने जूतों पर पॉलिश करवाई, मैंने नया घर बनवाया, या मैंने अपनी दाढ़ी बनवाई, या मैंने दर्जी से कपड़े सिलवाए, तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं यही सेंटेंसेस आपको बताने जा रहा हूं, किस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। जितना मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराता हूँ, जो मैं आपको हम सीख रहे हैं, उसके हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। मैंने आपको बताया कि अगर खुद करते हैं, हम खुद एक्शन करने वाले हैं, तो हमने टेंस के जरिए पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं, अभी फिलहाल मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा कि पुस्तकों कैसे बनते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे कि आते हैं यूज करते हैं हम, उसके बाद डॉट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड उसके बाद डूअर। बाय के साथ डूअर, डूअर मींस करने वाला, डू मींस करना, डूअर माने करने वाला, जो भी करने वाला, जिसके जरिए हम काम करवा रहे हैं उसको ले जाएंगे। पहला सेंटेंस देखिए, हमने अपने कपड़े धुलवाए। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने, सब्जेक्ट वी गॉट, ऑब्जेक्ट कपड़े, अपने कपड़े, वी गॉट आर क्लोज, आर क्लोज धुलवाना, इट इज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश, वॉश्ड, वी गॉट आवर क्लोथ्स वॉश्ड, हमने अपने कपड़े धुलवाए। इस पर डुअर नहीं है, किससे धुलवाए, इसलिए डुअर की जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा, डुअर को छोड़ दीजिए। बच्चों ने अपने बाल कटवाए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन गॉट, देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डुअर बच्चे, चिल्ड्रन, वॉट क्या करता है, बाल कटवाए, इट इज ऑब्जेक्ट, अपने बाल, चिल्ड्रन गॉट देयर हेयर, वर्ब, चिल्ड्रन गॉट देयर हेयर कट, बच्चों ने अपने बाल कटवाए। इसमें भी डूबर नहीं है तो आप रहने दीजिए, डूबर को छोड़ दीजिए। उसके बाद मेरी बहन ने अध्यापक से खत लिखवाया, इस पे डूबर है, किससे लिखवाया, अध्यापक से, टीचर से। इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, कौन है मेरी बहन, माय सिस्टर, माय सिस्टर गॉट, ऑब्जेक्ट क्या करवाया, खत लिखवाया, सॉरी खत, ऑब्जेक्ट क्या है, खत, माय सिस्टर गॉट लेटर, वर्ब लिखवाना, माय सिस्टर गॉट लेटर रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। अब इसमें आपने देखा डूअर भी है, इससे अध्यापक से, अध्यापक बाय टीचर, बाय टीचर, मेरी बहन ने अध्यापक से खत लिखवाया, माय सिस्टर गॉट लेटर रिटन बाय टीचर। ये तीन सेंटेंसेस मैंने आपको करवा के बताए हैं। इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी ही आप सीख जाएंगे इंग्लिश और इस तरह के सेंटेंसेस। और इसके पढ़ने के बाद, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन सेंटेंस को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, आप बहुत आसानी से नहीं सीख सकते। ठीक
ठीक है, मैं अपना वीडियो रूम सिस्टम नंबर 9 आज यहीं पर खत्म करता हूं, ये समाप्त करता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए स्ट्रक्चर लेकर आपके सामने आपके रूबरू एक बार फिर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, टेक केयर, हैव अ गुड डे।